Like, comment, and subscribe. Assalamu alaikum. Welcome to new vlog. Alhamdulillah, alhamdulillah. आपकी दुआओं से हमने कतर सीरीज जो स्टार्ट की है, जिसकी हम 5 एपिसोड कर चुके हैं. और इस टाइम पे अगर आप जब देख सकें तो मैं बहुत ही यूनिक जगह के पर आया हूँ, स्पेशली आप दोस्तों के लिए. और इस टाइम पे मैं मियाँ पार्क के अंदर हूँ. और मियाँ पार्क अगर ना देखा तो फिर क्या देखा. मियाँ पार्क देखना ज़रूरी है ना कतर में, और भी डेड लाइट के अंदर जो है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ने जो चीज़ कवर करनी है वो मियाँ पार्क का एरिया है, उसके सराउंड का एरिया है. और मैं उम्मीद करता हूँ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करेंगे और फ़ौरन जो है ना इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे. और आपने मेरे साथ रहना है ताकि हम आपको मियाँ पार्क की पूरी की सैर करा सकें जो है. आइए हम मियाँ पार्क की को एक्सप्लोर करते हैं जो है. ये मेरे सामने जो आप एरिया देख रहे हैं सारा का सारा मियाँ पार्क का एरिया है, और साथ ही कॉर्निश है, और साथ ही एक इनका यार्ड कह रहे हैं जहाँ पे सारी बोट्स को ये लोग यहाँ पे लोग के रखते हैं जो है. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक एरिया है जो है. इस एरिए को डे में देखने का तो अपना ही मज़ा है जो है. जी इस पार्क के राइट साइड पे जो आपको ये बॉक्स की तरह से बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, एक्चुअल में ये बॉक्स कंटेनर नहीं है, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको कॉफ़ी, आइसक्रीम, जूस, हर एक चीज़ मिलेगी जो है. और उसके लेफ्ट साइड पे अगर मैं घुमाऊँगा तो आपको यहाँ पे चलती फिरती बोट्स नज़र आएंगी, चलते फिरते रेस्टोरेंट नज़र आपको आएंगे पानी के अंदर, वो भी जी हाँ वो भी पानी के अंदर आपको रेस्टोरेंट नज़र आएंगे जो है. और यहाँ पे आप शिप्स को रेंट पे भी ले जा सकते हैं जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं जो है. और छोटे छोटे मोटर बाइक्स पीछे पड़े हुए इनके जो है. अरे बाप रे, ये इतना बड़ा शिप भी यहाँ पर आया हुआ, लगता है कोई क्रूज शिप भी आज आ रहा है यहाँ पर जो है. और इस टाइम पे सुबह का जो टेम्परेचर है वो बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है. और यहाँ पे जो आवाम है वो सारे भी वॉक के लिए, कोई गैदरिंग के लिए. और आज तो गोरे भी नज़र आ रहे हैं भाई, अरे भाई तो गोरे भी नज़र आ गए. तो काफ़ी आवाम आज यहाँ पर आजकल आई हुई है. और सामने का जो एरिया अगर मैं आपको आप देख सकें तो सामने वो कॉर्निश के एरिया है, और वो फनार मस्जिद जहाँ पे मैंने आपको कॉर्निश में दिखाया था. और राइट साइड पे जितनी इनकी बिल्डिंग जिसमें कॉर्निश का एरिया, रानी मार्केट सुवाकिफ का एरिया शामिल है. बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत एरिया. और ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे कि आपका लेफ्ट राइट पानी नज़र आ रहा हो, बोट्स नज़र आ रही हैं, और वैसे ही बंदे का दिल जो है ना खुश हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में चीज़ों को देख के जो है. और अगर आप मेरे सामने देख सकते तो वो सामने कतर म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो है, आइडियल लोकेशन पे. और मेरे लेफ्ट साइड पे आपको वो 974 जो फुटबॉल स्टेडियम नज़र आ रहा होगा. अपनी मामा की शायद, मामा की शायद खेल रहे हो, मामा की शायद रेस्ट कर रहे हो. ये अपनी मामा की रेस्ट कर रही है भाई. एक खूबसूरत मंज़र ठंडी ठंडी हवा के साथ पुरसकून माहौल के अंदर जो है, कई गुना कैलोरीज को बढ़ा देता है भाइयों. अरे बाप रे, इतना बड़ा क्रूज ये देखिए भाई, इतना बड़ा क्रूज खड़ा है. इसके पीछे लगता है कोई वीकेंड आ जाए है ना, आज लाजमी कोई मस्त मान के तरह लोग घूमने जाएंगे तो भाई घूमने जाएंगे. इस बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा क्रूज खड़ा हुआ है. ओ बाप रे, इतना बड़ा क्रूज शिप, ये लाजमी जो है ना कहीं वीकेंड पे ले जाने के लिए आया होगा आवाम को जो है. इस टाइम पे मियाँ पार्क के हम करीब हैं, और सामने आपको 974 स्टेडियम भी नज़र आ रहा है भाई. साथ ही जहाज़ जो है टेक ऑफ करते हुए एयरपोर्ट भी हमारे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है. और हमारे लेफ्ट साइड पे पर्ल कतर का एरिया, और यहाँ की जो लोकेशन है क्या बात है भाई. अरे भाई मज़ा आ गया देखे. फ़िश मार्केट भी इधर है इनके साथ ही जो है. और आवाम यहाँ पे सुबह सुबह वॉक करते हुए, इंजॉय करते हुए यहाँ पे खड़े हैं जो है. तो ये लुक देख के तो अपना भी दिल कर गया भाई, कोई यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी हो और यहाँ पे बैठ के इंजॉय करें जो है. तो क्या कहते हैं आप जो है, कॉफ़ी होनी चाहिए जो है.
बहुत ही खूबसूरत फिश मार्केट जो है, बहुत खूबसूरत जो है, बिल्कुल फ्रेश। वाओ, सी फूड। आपको ये व्यू इससे पहले कभी किसी ने शायद ना दिखाया हो, ना कभी आपने देखा हो जो है। और मेरे राइट लेफ्ट साइड पे आपको सी का व्यू, और फ्रंट पे एक बेहतरीन आलीशान किस्म की पाइयों, एक बहुत बड़ी शिप। राइट साइड पे आपको स्टेडियम नज़र आएगा हमारा, और बीच में लहरें उठती हुई, माशाल्लाह क्या बात है, समंदर की भीनी भीनी लहरें जो है, तो मज़ा आ गया इसको देखे यार, कसम से। एक एग्जीबिशन आर्ट है जिसके बीच में इनकी कोस्ट पे जो पुरानी शिप्स खड़ी होती हैं उसकी कुछ पिक्चरें उन्होंने लेके यहाँ पे पोस्ट की हुई है। लेकिन वल्ला जिसने पिक्चरें खींची हैं ना, बहुत ज़बरदस्त आखिर आखिर पिक्चरें ली हैं लेने वाले ने, कसम से मज़ा आ गया देख के जो है, कि लेने वाले ने किस तरह की चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाली है, और एक एक चीज़ की पिक्चर किस तरह से ली है इसने जो है। वर्ल्ड कप के टाइम पे तकरीबन जितनी भी कंट्रीज जो इन्वॉल्व थी वर्ल्ड कप के अंदर, जो भी जो कंट्रीब्यूट कर रही थी, उनके सारे फ्लैग्स यहाँ पे लगाए गए थे जो है, जिनके अंदर उसके अलावा ही बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग इसमें शामिल हैं जो है। तो आइए आपको इसका छोटा सा एक वो थ्रू कराते हैं आपको जो है। बहुत सी कंट्रीज के फ्लैग्स, कलरफुल फ्लैग्स, कलरफुल सा एरिया, और हमारा पाकिस्तान का फ्लैग कहाँ गया, वो रहा ऊपर। जिस भी मुल्क से कोई भी आदमी तो अलग रखता हो, लेकिन जब उसके सामने दूसरी कंट्री के अंदर अपने मुल्क का जब फ्लैग आता है ना भैयों, उस टाइम जो एक दिल में खुशी फील होती है, जैसे अभी मैं अपना कंट्री का फ्लैग देख रहा था फ्लैग्स के बीच में, और अपने कंट्री का फ्लैग नज़र आया, कि अजीब सी गुनगुनाहट मुँह से निकल आई जो है अपने मुल्क को देख के। आप किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएँ, लेकिन जहाँ आपको अपने मुल्क का फ्लैग, अपने मुल्क का झंडा नज़र आएगा, तो आपकी वैसे ही जो है ना रोंगटे खड़े जाएंगे जो है। अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेज़ीन एक मुस्लिम रियासत अता फरमाई, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है ज़ात पाक। वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम सीढ़ी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था मज़ीद, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक क्लॉक लगाया गया था। मैं आपको क्लॉक दिखाता हूँ, ये क्लॉक पर टाइम सेट था, जो जैसे जैसे टाइम क्लोज होता था और उसकी टाइमिंग चेंज होती जा रही थी। मैं आपसे जिस क्लॉक की बात कर रहा था, वो इसका ये छोटा सा इंट्रो जिसमें मेंशन है कि इसमें लगाया गया ड्रीम क्लॉक जो है, और ये वो क्लॉक है जिसको वर्ल्ड कप के टाइम पे लगाया गया था नाइट में। इसमें बहुत सारी लाइट्स कलर्स होती हैं, कलरफुल लाइट्स आती हैं इसके बीच में जो है, और अभी स्टॉप हुआ है आई थिंक सो, और अभी कतर के अंदर नेक्स्ट ईयर आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 50 डेज, सॉरी 50 डेज के बाद जो है एशियन कप द्वारा जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है कतर जो है 2024 में, मतलब 50 दिन के बाद कतर दोबारा जो है एशियन कप को ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसकी जो बेटे वो कतर ने की थी, और कतर के हिस्से में वो आई अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक व्यू, जिसमें डेली बेसिस पे ट्रेनिंग चल रही है ऊँटों के ऊपर जो है ना, ये इनके सारे सोल्जर्स हैं ये, और ये कुछ फॉरनर्स जो है यहाँ पर हमारे साथ ही, वो भी जो है इंजॉय करते हुए इस ज़बरदस्त लम्हात को। जी दोस्तों, ने अभी तक मेरे चैनल को लाइव सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, लाजमी आपने इस वीडियो को लाइव सब्सक्राइब और शेयर करके जाने मेरे चैनल को जो है, और कोशिश करनी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकें, ताकि वो दोस्त यार जो कतर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो भाई आपका हाजिर है, इंशाल्लाह आपका भाई जो है वो आपको एक्सप्लोर कराएगा। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइव सब्सक्राइब आप करना है आपने जो है, और जितना हो सके इसको आगे फैलाना है आपने जो है, ये नॉलेजेबल है आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ इसमें। आप मैं अभी अपने दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मेरी ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। कतर सीरीज़ भी हमारी स्टार्ट हुई है, कतर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 भी जो हम चला रहे हैं, आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, और आने वाली भी एपिसोड में आपने मेरा साथ देना है, मेरे साथ रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना है आपने जो है, और देर से दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस लेटर।